कैलाश यात्रा। दक्षिण में हिमालय पर्वतमाला, पश्चिम में काराकोरम श्रृंखला और उत्तर में कुनलुन पर्वत से घिरा तिब्बत विश्व के ही उच्च स्थानों में से एक है। यहाँ के वातावरण, भू बनावट तथा ऊंचाई के कारण तिब्बत को बाकी विश्व से अलग थलग भूभाग के रूप में देखा जाता है। विश्व के कई उच्च हिम शिखरों को अपनी छाती पर बिठा कर रखने वाला तिब्बत ब्रह्मपुत्र, इंदस, गंगा, मेकंग, यांगजे तथा ह्वांगहो जैसी प्रख्यात नदियों का उद्गम स्थल भी है। हिंदू धर्मावलंबियों का पवित्र धर्म स्थल कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील के दर्शन के लिए सालाना हजारों तीर्थयात्री पड़ोसी देश भारत से और संसार भर के हिंदू धर्मावलंबी नेपाल होते हुए चीन के स्वशासित क्षेत्र तिब्बत में रहे कैलाश पर्वत और मानसरोवर की यात्रा करते हैं। हमारी इस टीम में अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में रह रहे भारतीय मूल के नागरिक और भारतीयों के साथ साथ दक्षिण भारत में रहने वाले एक स्वामी, एक पंडित और उनकी धर्मपत्नी सम्मिलित हैं। श्रद्धालुओं की यह टोली कैलाश पर्वत, मानसरोवर झील के साथ ही सप्तऋषि गुफा, नंदी परिक्रमा और खुजरनाथ में रहे राम, सीता और लक्ष्मण का दर्शन करने के लिए 19 जून 2012 को काठमांडू आ पहुंची थी। काठमांडू पहुंचने पर मोंतेरोसा ट्रैक्स एंड एक्सपीडिशन प्राली के कर्मचारी के साथ साथ प्रबंध निर्देशक गणेश न्योपाने ने टोली का स्वागत किया था। स्वागत कार्यक्रम के बाद अतिथियों को लेकर काठमांडू के 5 सितारा होटल रेडिएशन की ओर हम चल पड़े। होटल पहुंचकर हमने उनके ठहरने और खाने पीने की व्यवस्था की। दूसरे दिन काठमांडू के उत्तर पूर्व में अवस्थित पशुपति क्षेत्र जाकर भगवान पशुपतिनाथ के मंदिर में भक्तों को दर्शन पूजन करवाया गया। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार देवाधिदेव महादेव हिंदुओं के संरक्षक देवता माने जाते हैं। विश्व के ही प्रख्यात हिंदू तीर्थस्थल पशुपतिनाथ मंदिर में साल भर ही लाखों की संख्या में तीर्थाटन व पर्यटन की दृष्टि से श्रद्धालु आया करते हैं। कैलाश यात्रा पर निकलने से एक दिन पहले यात्रा के संबंध में हम विचार विमर्श करते हैं। रेडिशन होटल जहां तीर्थयात्री ठहरे हैं में सुबह के नाश्ते के बाद कैलाश यात्रा पर प्रस्थान करने की तैयारी हो रही है। बस पर सभी के बैठ जाने के बाद बस कैलाश यात्रा के लिए चल पड़ती है। इस बस के अंदर जितने भी लोग हैं सभी कैलाश तीर्थयात्री हैं। काठमांडू के रेडिशन होटल से प्रस्थान करने के 2 घंटे में हम काभरे पलांचोक जिले के 0 किलोमीटर पहुंचते हैं। वहां आराम करते चाय पीते हुए कुछ यात्री अपना ब्लड प्रेशर चेक कर रहे हैं। यहां कुछ देर आराम के बाद हमारा काफिला दोलालघाट बाजार में पुल पार कर भोटे कोशी नदी के किनारे से होते हुए 12 विषय बाजार एवं अन्य प्राकृतिक सुंदरता को आंखों में बसाते हुए हम तातोपानी बाजार जा पहुंचे। तातोपानी बाजार से मितेरी पुल की ओर बढ़ने के क्रम में आगे दिखने वाला इस झरने ने हमें ऐसा मंत्रमुग्ध किया कि सभी तीर्थयात्री फोटो खींचने एवं दृश्यावलोकन करने के कार्य में जुट गए। उस पार से नीचे गिरते झरने एवं नीचे बहती भोटे कोसी नदी की सुंदरता देखते ही बनती थी। मितेरी पुल जाने के क्रम में खासा बाजार का दृश्य भी हमें आकर्षित कर रहा था। आगे बढ़ते हुए हम लीपिंग पहुंचे जहां पर बस पार्क है। काठमांडू से लाई गई बस चूंकि यहां से आगे नहीं जा सकती थी इसलिए
10 मिनट पैदल चलकर हम नेपाली अध्यागमन कार्यालय के निकट पहुंचे और वहां कुछ देर होटल में हमने विश्राम किया। इसके बाद हम मितेरी पुल की ओर आगे बढ़ते हुए नेपाल की सीमा पार कर तिब्बत चीन के सुरक्षा कर्मियों को पासपोर्ट दिखाकर चीन के अध्यागमन कार्यालय के आगे पहुंचे। आवश्यक कागजात टिबेट अध्यागमन कार्यालय में पेश किया और हम एक एक कर टिबेट अध्यागमन में आगमन की मुहर लगवाकर तिब्बती क्षेत्र में जा पहुंचे। वहां हमारे गाइड मिंगमा से हमने हमारे तीर्थयात्रियों का परिचय करवाया। इसके बाद हम 5 मिनट पैदल चलकर उस जीप तक पहुंचे जिस पर चढ़कर हमें आगे की यात्रा तय करनी थी। एक जीप में 4 तीर्थयात्रियों के ही बैठ पाने की आरामदायी जगह होती है। इस हिसाब से हमारे सभी तीर्थयात्रियों को जीप में बिठाकर जब हम आगे बढ़ने लगे तो ऊपर ज्यांगमू बाजार का मनोरम दृश्य देखकर हमारा दिल झूम उठा। अगल बगल नैनाभिराम प्राकृतिक दृश्यों का अवलोकन करते हुए हम ज्यांगमू बाजार पहुंचे। ज्यांगमू बाजार को नेपाली में खासा बाजार नाम से जाना जाता है। इस बाजार में कुछ देर जीप रोककर बाजार की रौनक देखते हुए आगे बढ़ने के क्रम में दिखने वाला यह झरना, शांत वातावरण, जंगल की हरियाली को पार करते हुए हम कब ज्यांगमू से न्यालम शहर पहुंच गए पता ही नहीं चल पाया। मितेरी पुल से न्यालम की दूरी 30 किलोमीटर है। न्यालम में जीप से उतरकर होटल की ओर चल पड़े। वहां अतिथियों को कमरे में विश्राम की सलाह देकर नेपाली बाबरची किचन में जाकर चाय नाश्ता बनाने के काम में जुट जाता है। यह होटल न्यालम शहर का महंगा होटल है। साधारणतया सस्ते गेस्ट हाउस तीर्थयात्रियों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। काठमांडू से एक ही दिन में तातोपानी, मितेरी पुल, ज्यांगमू होते हुए न्यालम पहुंचने के कारण यहां 2 रात गुजारनी होती है और हमने गुजारी भी। हमारे साथ जाने वाले कैलाश तीर्थयात्री चूंकि सभी शाकाहारी हैं इसलिए हम यात्रा अवधि भर शाकाहारी खाने का ही प्रयोग करने वाले हैं। कैलाश यात्रियों के लिए भोजन बनाने वाला नेपाली बाबरची समूह भोजन बनाने में निपुण है जो यहाँ देखा जा सकता है। भोजन तैयार हो जाने के बाद मुख्य बाबरची के संकेत करने के बाद सभी तीर्थयात्रियों को भोजन के लिए बुलाया जाता है। हमारे बाबरची भोजन परोस रहे हैं जबकि सभी तीर्थयात्री बड़े आनंद और प्रेम से भोजन ले रहे हैं। दूसरे दिन सुबह के नाश्ते के बाद ऊंचाई से होने वाली समस्या से बचने के लिए न्यालम बाजार से ऊंचाई वाली जगह पर जाने व पहाड़ी का रमणीय दृश्यों का अवलोकन करने का काम किया जाता है। इस यात्रा में न्यालम होटल से ऊपरी इलाका में जाने में करीब 2 घंटे का समय लगता है और हमारा समूह होटल से निकलकर न्यालम बाजार की सड़क पर कुछ देर पैदल चलने के बाद पंक्तिबद्ध होकर मानी घुमाते हुए यहाँ से पहाड़ी पर चढ़ाई शुरू कर देता है। अक्सर यहाँ की पहाड़ी तक की यात्रा कर चुकने के बाद यह तय हो जाता है कि ऊंचाई से होने वाली समस्या आएगी या नहीं। यह 25 तीर्थयात्रियों का समूह पंक्तिबद्ध होकर ऊपर चढ़ रहा है। कोई नाचते हुए तो कोई घूमते हुए ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। चलते चलते थक जाने पर कुछ आराम करने लगे हैं तो स्वामी जी बैठ कर योग करने लगे हैं। जब सभी पहाड़ी पर पहुंच जाते हैं तो सभी योग करने में जुट जाते हैं। करीब आधे घंटे तक वहां रहने के बाद सभी न्यालम की ओर उतरने लगते हैं। ऊपर से हम जो शहर देख रहे हैं वह न्यालम है। इस पहाड़ी पर दिखने वाला यह रंग बिरंगा ध्वज लुंगदर कहलाता है जो शांति के प्रतीक स्वरूप लगाया गया है। यह दृश्य भी हमें असीम आनंद दे रहा है। यह न्यालम शहर समुद्र की सतह से 3,750 मीटर की ऊंचाई पर अवस्थित है। सामान्यतया तीर्थयात्रियों को यहाँ पहले दिन कुछ परेशानी होती है लेकिन एक रात गुजार लेने के बाद आप से आप सब ठीक हो जाता है। कैलाश यात्रा के मार्ग पर पड़ने वाला यह तिब्बत का दूसरा बड़ा शहर है। यहाँ सभी तिब्बती मूल के लोग रहते हैं।
तीसरे दिन न्यालम से सागा जाने के क्रम में तीर्थयात्रियों को लेकर जब हमारी जीप आगे बढ़ी तो आधे घंटे की यात्रा के बाद हम मिलेरप्पा गुम्बा पहुंचे। यहाँ विभिन्न रंग बिरंगी कढ़ाई वाली थांका पेंटिंग देखी जा सकती है। मिलेरप्पा के बारे में हमारे तिब्बती गाइड तीर्थयात्रियों को जानकारी दे रहे हैं। मिलेरप्पा गुम्बा के दृश्यावलोकन के बाद सांगा जाने के क्रम में 5,050 मीटर की ऊंचाई पर यालुंगला पास आती है, जहां से शुभ्र हिमालय और उसके नीचे मरुभूमि जैसी सूखी पहाड़ी मनोरम दिखती है। यहां एक बड़ा सा द्वार भी है जो सभी के स्वागत में सदा खड़ा रहता है। इस गेट में लाल सफेद पीला ध्वज अर्थात लुंगदर सुसज्जित है। यहाँ से गौरी शंकर सिसापांगमा भलीभांति देखी जा सकती है। यालुंगला पास का कुछ देर दृश्यावलोकन करने के बाद हमारे आज के गंतव्य स्थान पर पहुंचने से पहले पीखुछू झील आती है। वहां पहुंचने से कुछ पहले ही जीप रोककर दोपहर का गर्मा गर्म भोजन परोस रहे हैं नेपाली टीम के गाइड राजू नेपाने। सभी तीर्थयात्रियों को खाना खिलाने के बाद पीखुछू झील का मनोहर दृश्य देखते हुए हम वहां पहुंचे जहां पीच समाप्त हो जाती है और कच्ची सड़क पर धूल उड़ाते हुए आधे घंटे बाद हमारी जीप नमकीन झील अर्थात साल्ट लेक के पास पहुंचती है। आगे बढ़ते हुए जब हम सांगा बाजार पहुंचने लगे तो हिंदुओं के लिए पवित्र ब्रह्मपुत्र नदी दिखी, जो कैलाश पर्वत से पिघली बर्फ को समेटकर तिब्बत के विभिन्न क्षेत्रों से होते हुए भारत में जाकर पवित्र धार्मिक नदी गंगा में मिल जाती है। पीखुझू झील से सांगा बाजार तक धूल भरी कच्ची सड़क की लंबाई 50 किलोमीटर है। यह रमणीय सांगा बाजार है। बिजली और टेलीफोन की सुविधा से लैस यह ठहरने के लिए सुविधा युक्त शहर है। हम न्यालम से 6 घंटे की यात्रा के बाद यहाँ आ पहुंचे हैं, जहाँ आज हमारी यात्रा का पड़ाव है। अक्सर लोग सांगा होते हुए डोंगवा तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि अभी रास्ता अच्छा है। सभी यात्री अपने अपने लिए तय कमरे में आराम करते हैं और कुछ यात्री नेपाली बावर्ची को भोजन बनाने में सहयोग भी करते हैं। देखते ही लग रहा है कि भोजन काफी लजीज बना है। भोजन की तैयारी के बाद शाम का भोजन करवाया जा रहा है। 2 दिन सांगा में रहने के बाद हम मानसरोवर झील तक की यात्रा के लिए आगे बढ़ रहे हैं। रास्ते में रेत की ढेर, चमरी गाय व भेड़ को चरते हुए देख रहे हैं। यह जगह सांगा से डोंगबा और परेंग के बीच में पड़ती है। दोपहर का भोजन हमने यहाँ किया, उसके बाद रमणीय दृश्य एवं मानव विहीन पहाड़ियों को देखते हुए हम होरचू जा पहुंचे। यहाँ से मानसरोवर झील, उसके दक्षिण में गुरलामंडाता हिमालय और उत्तर पश्चिम में कैलाश पर्वत दिखाई दे रहा है। इस जगह का नाम होरचू है और यहाँ से शुरू होती है मानसरोवर की परिक्रमा। यह मानसरोवर झील की वृत्त 102 किलोमीटर है। इसकी पैदल परिक्रमा करने के लिए यहाँ के स्थानीय लोगों को 3 दिन व तीर्थयात्रियों या पर्यटकों को 5 से 7 दिन तक लगने की बात स्थानीय लोग बताते हैं। मानसरोवर की परिक्रमा के लिए होरचू से यात्रा शुरू कर पहले दिन च्यूगुम्बा जाकर ठहरते हैं। झील की परिक्रमा का बाकी अंश कैलाश पर्वत की परिक्रमा के बाद च्यूगुम्बा आकर एक रात बिताकर काठमांडू लौटने के समय कैलाश परिक्रमा करते हुए होशू पहुंचा जा सकता है। होरचू से करीब 25 मिनट की जीप यात्रा के बाद मिलने वाली झील की फोटो और समूह में फोटो खिंचवाने के लिए पंक्तिबद्ध हो रहे हैं सभी। कुछ देर के दृश्यावलोकन के बाद आगे बढ़ने के क्रम में हम यह शांति के लिए टंगे रंग बिरंगे लुंगदर देख रहे हैं। ऊपर दिखने वाला गुरलामंडाता हिमालय भी हमें आनंद दे रहा है। वाह, क्या खूबसूरत है यह झील। एक ओर से दूसरी ओर खुली आंखों से देखी भी नहीं जा सकती। झील के किनारे राजहंसों को तैरते हुए देखा जा सकता है। होरचू से 2 घंटे की यात्रा के बाद हम च्यूगुम्बा पहुंचे। यहां ठहरने के लिए लॉज, अतिथि गृह आदि हैं। हमने ठहरने के लिए इसी अतिथि गृह को चुना।
मानसरोवर झील के संदर्भ में हिंदू धर्म ग्रंथों में ऐसा वर्णन पाया जाता है। मानसरोवर झील को मानस भी कहते हैं। मानस का अर्थ मस्तिष्क या चेतना होता है। इस हिसाब से मानसरोवर चेतना व ज्ञान की झील के रूप में भी परिचित है हमारे बीच। यह झील समुद्र सतह से 4,580 मीटर की ऊंचाई पर अवस्थित है। मानसरोवर झील ने हिंदू और बौद्ध धर्मावलंबियों के बीच गहरा धार्मिक एवं आध्यात्मिक संबंध बना दिया है। मानसरोवर झील की परिक्रमा कर इसके पवित्र जल से स्नान करने पर जीवन में जाने अनजाने हुए सभी पापों के धुल जाने एवं शरीर में रहे संपूर्ण रोग व्याधियों से मुक्त होने का धार्मिक विश्वास है। साथ ही इस स्नान से सदा के लिए अपना यौवन और शक्ति कायम रखे जा सकने की भी मान्यता है। रामायण में हुए वर्णन के अनुसार कैलाश पर्वत की परिक्रमा करने व मानसरोवर झील में स्नान करने वाला व्यक्ति सीधे ब्रह्मलोक में पहुंच जाता है, तो मानसरोवर का पानी पीने वाला व्यक्ति शिवलोक पहचान सकता है। मानसरोवर झील से करीब 58 किलोमीटर दूर उत्तर में कैलाश पर्वत अवस्थित है। पानी के विशाल भंडार मानसरोवर के पूर्व से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। बहुत से धर्मावलंबी इस झील में स्नान करने से स्वर्ग प्राप्त होने का विश्वास रखते हैं। कईयों की ऐसी मान्यता भी है कि इस पवित्र झील के जल का केवल स्पर्श करने से भी मोक्ष प्राप्ति होती है। इस मान्यता के साथ जीवन में कम से कम एक बार कैलाश पर्वत और मानसरोवर का दर्शन करना वांछनीय माना जाता है। इस झील से जुड़े किंवदंतियों के अनुसार भगवान शिव और पार्वती प्रत्येक रात 2 से 4 बजे तक इस झील में स्नान करते हैं और इस स्थान पर रहने वाले सभी धर्मावलंबी शिव पार्वती का पूर्णिमा की रात को प्रत्यक्ष दर्शन कर सकते हैं। विस्तृत भूभाग को समेट कर बैठी मानसरोवर झील यहाँ दिखती है, जो हिंदुओं के लिए अत्यंत पवित्र स्थल है। हिंदू मान्यता के अनुसार जीवन में एक बार यहाँ पहुंचना ही चाहिए। दूसरे दिन सुबह हम हमारे तीर्थ यात्रियों को मानसरोवर में स्नान करवाने के लिए होटल से जीप में बिठाकर झील के किनारे ले जाते हैं। स्नान करने से पहले झील के किनारे खड़ा होकर स्वामी और वेद पंडित साथ साथ प्रार्थना कर रहे हैं। स्वामी जी कैलाश और मानसरोवर के बारे में प्रवचन भी दे रहे हैं। मानसरोवर झील में स्नान करने से पहले की जाने वाली प्रार्थना हो रही है यहाँ। కైలాసం యొక్క పరమేశ్వరుని యొక్క సంపూర్ణ అనుగ్రహం కలగాలి అని, అలాగే మన దేశంలో మంచి వర్షాలు కురిసి మంచి పంటలు పండి అందరూ క్షేమంగా। ప్రవచన కే బాద్ ఝీల్ మే స్నాన్ కర్ రహే హై హమారే యే తీర్థ యాత్రి। యే హై హమారే స్వామి జీ, ఇస్ టీమ్ కే ముఖ్య గురు। कोई झील में डुबकी लगा रहे हैं, कोई पैसे चढ़ा रहे हैं। स्वामी जी रुद्राक्ष की माला को पानी में डुबोकर बाहर निकाल रहे हैं और उसके बाद फिर स्वामी जी भगवान की मूर्ति को मानसरोवर में स्नान करवाकर प्रार्थना कर रहे हैं। प्रार्थना करते समय कैलाश पर्वत और मानसरोवर का एक साथ दर्शन होने का दृश्य दिख रहा है यहाँ। आज मौसम साफ रहने के कारण मानसरोवर और कैलाश पर्वत का दर्शन एक साथ भलीभांति हो पा रहा है। मानसरोवर में स्नान करने के बाद सभी यात्री जीप में बैठकर होटल आए, उसके बाद पूजा के लिए तैयारी हो रही है। वेद पंडित वे यात्री जिनके माता पिता नहीं हैं, के पित्री के नाम पर मंत्रोच्चार करते हुए आचमन करवा रहे हैं, जबकि अन्य तीर्थयात्री एक बड़े से शामियाने के अंदर पूजा पाठ की तैयारी कर रहे हैं। श्रद्धालु भक्तजन तैयार होकर शामियाने के अंदर बैठे हैं। हम जिस होटल में ठहरे हैं उसके आगे ही यह शामियाना लगवाया गया है। वेद पंडित जी बाहर कर्मकांड संपन्न कर अंदर पूजा पाठ करने लगे हैं। पूजा के क्रम में होम करते हुए प्रवचन सुना रहे हैं और भक्तजन एकाग्र चित्त से प्रवचन सुन रहे हैं। फिर स्वामी जी और वेद पंडित एक साथ प्रवचन देने लगते हैं। आज की पूजा समाप्ति के बाद फोटो लेने का कार्य होता है। दोपहर के भोजन के बाद हम सब ने कुछ देर आराम किया। फिर जीप से हम मानसरोवर के पश्चिम की पहाड़ी पर स्थित
चू गोम्बा की परिक्रमा करते हुए दार्चिन की ओर सभी तीर्थयात्रियों के साथ चल पड़े। मानसरोवर झील से 40 किलोमीटर की दूरी पर रहे दार्चिन पहुंचने में करीब एक घंटे का समय लगता है। अभी हम दार्चिन की ओर जा रहे हैं। दार्चिन को कैलाश पर्वत की पेदी पर बसा सुंदर सा शहर माना जाता है। जीप से दार्चिन शहर की ओर बढ़ते जाने के क्रम में कैलाश पर्वत बहुत नजदीक और खूबसूरत दिखाई देता है। यह दार्चिन शहर में हमारे ठहरने के लिए तय किया गया होटल है। दूसरे दिन हम 25 तीर्थयात्री और 9 नेपाली सहयोगियों में से 9 तीर्थयात्री और 4 नेपाली सप्तऋषि गुफा तथा नंदी परिक्रमा के लिए सुबह 5 बजे जीप द्वारा सेरलिंग गोम्बा की ओर बढ़े। करीब एक घंटे की जीप यात्रा के बाद हम सेरलिंग गोम्बा पहुंचे। यह यात्रा दार्चिन से ही अगर शुरू किया जाए तो 2 से 3 दिन तक लग सकता है, लेकिन दार्चिन से सेरलुंग गुम्बा तक जीप में जाने पर 10 या 12 घंटे में ही आसानी से सप्तऋषि गुफा का दर्शन और नंदी परिक्रमा की यात्रा पूरी की जा सकती है। यह समूह भी एक ही दिन में सप्तऋषि गुफा दर्शन एवं नंदी परिक्रमा कर लौट आया। अब यहाँ से शुरू हुई हमारी पैदल यात्रा। करीब 10 मिनट की यात्रा के बाद अष्टपद पहुंचा जा सकता है। अष्टपद एक पवित्र धार्मिक पर्वत है और यह पवित्र धार्मिक कैलाश पर्वत की गोद में है। अष्टपद शब्द से ही 8 कदम का बोध होता है। अष्टपद को धार्मिक दृष्टि से बहुत पवित्र पर्वत के रूप में लिया जाता है। कैलाश और नंदी पर्वत के पड़ोसी यह पर्वत परापूर्व काल से ही कई ऋषि मुनि तथा भिक्षुओं का पवित्र ध्यान केंद्र के रूप में स्थापित है। जैन धर्म के प्रख्यात मुनि ऋषभदेव ने भी इसी पर्वत की गुफा में ध्यान किया था। अष्टपद होते हुए कैलाश पर्वत और नंदी पर्वत का दर्शन करते हुए आगे बढ़ने के सिलसिले में करीब 4 घंटे की चढ़ाई के बाद हम उस स्थान पर पहुंचे जहां से आत्मालिंग देखा जा सकता है। रास्ते में गणेश न्योपाने और स्वामी जी कैलाश पर्वत और आत्मालिंग का दर्शन करते हुए आनंद विभोर होकर अंकमाल करते हैं। आत्मालिंग से निकली शैलेदा नदी के पानी से मुंह धोकर ये सभी आगे बढ़ रहे हैं। सप्तऋषि गुफा तथा नंदी परिक्रमा कैलाश पर्वत की परिक्रमा से कठिन मानी जाती है। यहाँ से आत्मालिंग बहुत सुंदर दिखता है। हिंदू धर्म ग्रंथों में सुंदर एवं बर्फ से ढके इस पवित्र कैलाश पर्वत के बारे में काफी कुछ कहा गया है। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान शिव और पार्वती यहीं पर विराजमान रहते हैं और इस पर्वत के पश्चिम की ओर अरुणा पर्वत अवस्थित है। कैलाश पर्वत के पश्चिम की ओर भगवान शिव के आत्मालिंग का मधुर प्रकाश बिखरा दिखता है। यह आत्मालिंग पुष्पदंत नाम के बर्फ से बना है जो कैलाश पर्वत की चोटी पर रहे अस्तपादु के महत्व को दर्शाता है। इसी तरह आत्मालिंग से शैलेदा नदी के उत्पन्न होने की बात मानी जाती है। इस पवित्र नदी में डुबकी लगाने से भगवान शिव की तरह शक्ति और बुद्धि प्राप्त होने का विश्वास किया जाता है। इस कारण से भी कैलाश पर्वत का अत्यंत महत्व होने की बात हिंदू धर्म शास्त्रों व संस्कृति में उल्लेख है। दूर से ही आत्मालिंग का दर्शन कर सीधी चढ़ान चढ़ते जाने पर सप्तऋषि गुफा के क्षेत्र में पहुंचा जा सकता है और वहां से रस्सी की सहायता से 5 मिनट और ऊपर चढ़ने के बाद सप्तऋषि गुफा पहुंची जा सकती है। गुफा के आगे 13 चैत छुरतेन बनाए गए हैं और इसके चारों ओर रंग बिरंगे ध्वज लुंगदार लगाए गए हैं। सप्तऋषि गुफा के दर्शन के लिए धर्म में अतिशय आस्था रखने वाले लोग ही पहुंचते हैं। नेपाली धर्मशास्त्रियों के अनुसार यहाँ सप्तऋषि अर्थात कश्यप, भारद्वाज, गौतम, जमदग्नि, वशिष्ठ, विश्वमित्र और अरुंधति ने इस गुफा में बैठकर तपस्या की थी, इसीलिए इस गुफा का नाम सप्तऋषि गुफा पड़ा। यह सप्तऋषि गुफा हिंदू और बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण धर्म स्थल है। यह समुद्र सतह से 5,880 मीटर की ऊंचाई पर अवस्थित है। यहाँ का रास्ता कठिन होने के कारण बहुत कम लोग ही यहाँ पहुँच पाते हैं। करीब 10 मिनट रस्सी की सहायता से ऊपर चढ़ने के बाद कुछ आसान सा रास्ता आता है।
वहां से 5 मिनट नीचे जाने पर आता है सारडुंग छुक्सुम लाभंज्यांग। यहां से करीब 1 घंटे की दुरूह यात्रा के बाद हम समतल भाग में उतर पाते हैं। यहां से करीब 2 घंटे की सहज पैदल यात्रा के बाद हम शेरलुंग गुम्बा पहुंचते हैं। सप्तऋषि गुफा और नंदी परिक्रमा कर लौटने का दृश्य है यह। आज की यात्रा कठिन जरूर थी पर इसमें आनंद बहुत आया। आज कैलाश परिक्रमा की तैयारी हो रही है। हम सभी तीर्थयात्री जीप में चढ़कर दार्चेन शहर का अवलोकन करते हुए यमद्वार की ओर बढ़ते हैं। दार्चेन से 5 किलोमीटर की दूरी पर रहे यमद्वार पहुंचने में जीप से करीब 20 मिनट का समय लगता है। इस जगह को तारबोचे भी कहा जाता है। यमद्वार पहुंचने पर जीप से उतरकर सभी तीर्थयात्री पंक्तिबद्ध होकर भगवान शिव पार्वती को प्रणाम कर रहे हैं। स्वामी जी शिव महिमा पर प्रकाश दे रहे हैं। यह कार्य संपन्न होने के बाद यमद्वार के चारों ओर घूमने का काम शुरू होता है। यमद्वार की 3 बार परिक्रमा करने के बाद सभी एक ओर से प्रवेश कर दूसरी ओर से बाहर निकल रहे हैं। असक्त तीर्थयात्री यहीं से कैलाश का दर्शन कर यमद्वार की परिक्रमा के बाद लौट आते हैं। यमद्वार की परिक्रमा करते समय भी कैलाश पर्वत की परिक्रमा बराबर ही पुण्य प्राप्त होने की जनधारणा है। यमद्वार के दर्शन के बाद 1 किलोमीटर दूर रहे शेरसोंग की ओर हमारी जीप बढ़ती है। यह है शेरसोंग, जहां से कैलाश पर्वत की पैदल यात्रा शुरू होती है। यहां दिख रहे हैं तीर्थयात्रियों के साथ साथ घोड़े, स्थानीय भरिया, बोझा ढोने वाले याक, पवित्र धार्मिक कैलाश पर्वत। समुद्र सतह से 6714 मीटर की ऊंचाई पर रहा कैलाश पर्वत विश्व का ही सबसे पवित्र तीर्थस्थल माना जाता है। इतनी महिमाशाली होते हुए भी इस स्थान का भ्रमण बहुत कम ही हो पाता है। 4 विभिन्न धर्म के करोड़ों धर्मावलंबियों के बीच अत्यंत पवित्र माने जाने वाले इस स्थान पर सालाना चंद हजार धर्मानुरागी ही तीर्थयात्रा के लिए आते हैं। हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म की उत्पत्ति से पहले ही कैलाश पर्वत की पृथ्वी के मध्य स्थान और संसार के उत्पत्ति स्थल के रूप में पूजा की जाती थी। रामायण, महाभारत जैसे धार्मिक ग्रंथों में कैलाश पर्वत की पवित्रता एवं महिमा का वर्णन किया गया है, लेकिन इन ग्रंथों के लिखे जाने से काफी पहले से इसका महत्वपूर्ण स्थान रहता आया है। शैव, हिंदू, बौद्ध, जैन और बोनपो धर्म ने कैलाश को समान रूप से सम्मान दिया है और सभी ने इसकी महत्ता की अपनी अपनी तरह से व्याख्या की है। शैव बौद्ध दोनों के प्राचीन साहित्य में संसार के केंद्र के रूप में वर्णित सुमेरु पर्वत के ही भौगोलिक उपस्थिति के रूप में कैलाश को चिन्हित किया गया है। हिंदू धर्मावलंबियों के बीच शिव पार्वती के वास स्थान के रूप में सम्मानित कैलाश को बौद्ध धर्मावलंबी कांग रिम्पोचे के नाम से श्रद्धा करते हैं। कैलाश और मानसरोवर को बौद्ध धर्मावलंबी बड़ा सा प्राकृतिक मंडला मानते हैं, मंडला अर्थात आराधना और मुक्ति का माध्यम। जैन धर्मावलंबी इस एकांत शिखर को अस्पाड़ा कहते हैं। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव ने यहाँ आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त की थी। कैलाश पवित्रता का प्रतीक कैसे बना, इस संबंध में अभी तक प्राप्त तर्क इस तरह हैं। यह पर्वत सबसे एकांत में है, इसकी परिक्रमा की जा सकती है और इस क्षेत्र में चारों दिशा से एशिया के 4 बड़ी नदियां यारलुंग जाम्बो अर्थात ब्रह्मपुत्र, सतलज, इंडस और कर्णाली उत्पन्न हुई हैं। कैलाश को संसार का केंद्र मानकर पुराण काल से ही बौद्ध धर्मियों ने मंडला चित्र को विख्यात बनाया है। कैलाश परिक्रमा करने का मार्ग करीब 53 किलोमीटर लंबा है। रास्ते में 5,636 मीटर का सबसे ऊंचा डोलमाला व डोरमाला पास पार करना पड़ता है। धार्मिक विश्वास के अनुसार एक बार कैलाश परिक्रमा करने वालों के वे सभी पाप धुल जाते हैं जो उसने जाने अनजाने किया हो। मान्यता यह भी है कि जिसने पवित्र कैलाश पर्वत की 108 बार परिक्रमा कर ली वह सीधे निर्वाण अर्थात बुद्ध का बोधिसत्व प्राप्त कर लेता है। एक बार जो नंदी परिक्रमा करता है उसे 13 बार कैलाश परिक्रमा बराबर का फल प्राप्त होता है। शिवाय।
कैलाश परिक्रमा के लिए हम 3 दिनों की यात्रा पर निकल पड़ते हैं। हमारे तीर्थयात्री एक एक भरिया लेते हैं, जबकि किसी किसी ने घोड़े भी ले लिए हैं। कैलाश पर्वत की पैदल यात्रा न कर पाने वाले घोड़े पर सवार होकर भी इसकी परिक्रमा करते हैं। नदी के किनारे किनारे करीब 3 घंटे की पैदल यात्रा के बाद हम दोपहर का खाना खाने की जगह पर पहुंचते हैं। यहां से कैलाश पर्वत दिखने के साथ ही पर्वत के नीचे हाथी की आकृति वाला बड़ा सा चट्टान दिखता है। इस हाथी को भगवान इंद्र के वाहन ऐरावत के रूप में लिया जाता है। यहां से करीब 2 घंटे चलने के बाद हम देरापुक पहुंचे। यह देरापुक गुम्बा है। इस जगह की ऊंचाई 4900 मीटर है। यहां से कैलाश पर्वत बहुत नजदीक दिखाई देता है। यह दृश्य हमें ऐसी अनुभूति दिलाती है जैसे कि हम स्वर्ग में पहुंच गए हों। प्रत्येक दिन सैकड़ों तीर्थयात्री पैदल या घोड़े पर सवार होकर शेरसोंग से देरापुक पहुंचते हैं। यहां आकर एक रात गुजारने के बाद जिनका स्वास्थ्य सामान्य नहीं रहता उन्हें दार्चिन लौट जाना होता है। चूंकि दूसरे दिन सुबह सवेरे डोलमाला व डोरमाला पास की ओर प्रस्थान करना होता है, इसलिए शाम जल्दी ही खा पी कर तीर्थयात्री सो जाते हैं। आज डोलमाला पास करने का दिन है। मौसम साफ होने के कारण हम सवेरे उठकर नाश्ता करने के बाद तिब्बती गाइड के पीछे पीछे डोलमाला पास की ओर चल पड़े। डेरापुक से प्रस्थान करने के 1.5 घंटे बाद हम शिवस्थल पहुंचे, जहां पुराने कपड़े चढ़ाने का रिवाज है। कैलाश पर्वत परिक्रमा का सामान्य मार्ग शिवस्थल, गणेश कुंड, डोलमाला व डोरमाला पास कर गौरी कुंड देखते हुए करीब घंटे भर की यात्रा के बाद हम सापचे डातोक पहुंचे। यह जो दृश्य दिख रहा है वही डोरमाला पास है। यह समुद्र सतह से 5,636 मीटर की ऊंचाई पर है। इस यात्रा का सबसे ऊंचा और रमणीय स्थान यही है। यहाँ पहुंचने पर धूप जलाने व पूजा करने का काम होता है। हमारे तीर्थयात्री फोटो खींचने में भी जुट गए हैं। इस पास में पहुंचने पर सर दर्द कर सकता है, उबकाई सी आ सकती है जो नीचे उतरते जाने के बाद स्वतः ठीक हो जाता है। कभी कभार बर्फबारी होने, तेज हवा चलने की संभावना रहने के कारण डेरापुक से परिक्रमा के लिए जल्द ही चल देना चाहिए। डोरमाला से 10 मिनट नीचे की ओर चलने के बाद गौरी कुंड दिखता है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार यहाँ शिवजी और पार्वती स्नान किया करते हैं। इसी तरह कुबेर पर्वत और कुबेर कुंड कैलाश यात्रा के भीतरी मार्ग पर पड़ने वाला एक रमणीय परंतु दुर्गम स्थान है। कैलाश यात्रा करने में 3 दिन लगता है, तो इस यात्रा में भी उतना ही समय लगता है। इस शिवस्थल से कैलाश कोरा का सामान्य मार्ग छोड़कर भीतरी कैलाश के रास्ते से यात्रा की जाती है, जो साधारण यात्रियों के लिए काफी दुरूह है। यह जो दृश्य दिख रहा है खांगदे सांगला भंज्यांग है। शिवस्थल से 3-4 घंटे की चढ़ाई चढ़ने के बाद खांगदे सांगला पास के आधार में पहुंचा जा सकता है, जहां ग्लेशियर मिलता है। करीब 1 घंटे ग्लेशियर पर चलने के बाद रस्सी की सहायता से खड़ी चढ़ाई चढ़ने के बाद खांगदे सांगला भंज्यांग पहुंचते हैं। इसकी ऊंचाई 5,675 मीटर है। इसे पार कर कुछ देर समतल मार्ग पर चलने के बाद हम कुबेर पर्वत देख सकते हैं। इसकी ऊंचाई 5,998 मीटर है। यह पास और पर्वत इस क्षेत्र का सबसे आनंददायक स्थान है, जहां से दर्शन भी अच्छी तरह से होता है। यहां से कुछ देर नीचे की ओर चलने के बाद कुबेर कुंड देखी जा सकती है। यदि कुबेर कुंड के पानी तक पहुंचना हो तो मूल मार्ग को छोड़कर 15 मिनट तक चलना पड़ता है। इस यात्रा पर जाने वाले अधिकांश तीर्थयात्री कुबेर कुंड जाकर जल भरा करते हैं। इस यात्रा के लिए माउंटेन गाइड की आवश्यकता होने के साथ ही ऑक्सीजन लेकर चलना भी आवश्यक होता है। चूंकि रस्सी की सहायता से खांगदे सांगला पास पार करनी होती है, इसलिए ऐसी सामग्रियों की व्यवस्था जरूरी होती है।
कुबेर कुंड की यात्रा के बाद नीचे उतरते जाने पर सापजे टातोक से नीचे डोरमाला से आने वाले आसान रास्ते से यह रास्ता जुड़ जाता है। यहाँ से पूर्वी दक्षिण भाग से कैलाश पर्वत की चोटी थोड़ी सी दिखती है, इसलिए इस 3 दिनों की पैदल यात्रा में आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए कैलाश पर्वत का यह अंतिम दर्शन स्थल होता है दार्चिन पहुंचने से पहले। यह जगह जुथुलपुक गुम्बा है और आज एक रात यहां गुजारकर कल दार्चिन होते हुए मानसरोवर के बगल से होकर हम चिव गुम्बा पहुंचेंगे। ये हैं यहाँ के अतिथि गृह। कभी कभी अतिथि गृह में जगह न मिलने पर तंबू लगाकर भी रहना पड़ता है। दूसरे दिन सुबह के नाश्ते के बाद 3 घंटे की पैदल यात्रा के बाद हम चोंगदो पहुँचते हैं। चोंगदो से आधे घंटे की जीप यात्रा के बाद हम दार्चिन पहुँचते हैं और इस तरह हमारी 3 दिनों की कैलाश परिक्रमा पूरी होती है। दार्चिन में भोजन करने के बाद हम मानसरोवर की यात्रा की ओर बढ़ते हैं। कुछ तीर्थयात्री तीर्थपुरी का दर्शन करने के लिए दार्चिन से सीधे तीर्थपुरी के लिए प्रस्थान कर शाम का पड़ाव मानसरोवर में ही डालने के हिसाब से चलते हैं। तीर्थपुरी दार्चिन से 70 किलोमीटर पश्चिम में अवस्थित है, जहां पहुंचने के लिए 64 किलोमीटर पीच सड़क है जबकि 6 किलोमीटर सड़क कच्ची है। तीर्थपुरी पहुंचने के समय वहां से तातोपानी देखा जा सकता है। यह क्षेत्र तिब्बत का तीसरा महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल माना जाता है। कैलाश कोरा अर्थात कैलाश क्षेत्र की परिक्रमा करने वाले तीर्थयात्री तीर्थपुरी को अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण गंतव्य मानते हैं। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि तीर्थपुरी के भ्रमण के बिना कैलाश परिक्रमा अधूरी रह जाती है। प्रख्यात बौद्ध धर्मगुरु पद्मसंभव तथा अन्य कई भिक्षु एवं बोधिसत्वों का तीर्थपुरी से गहरा संबंध पाया जाता है। माना जाता है कि तीर्थपुरी में रहे एक मंदिर में पद्मसंभव ने ध्यान कर मोक्ष प्राप्त किया था, इसीलिए यह स्थान बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। तीर्थपुरी सतलज नदी के बाएं किनारे पर अवस्थित है। तीर्थपुरी परिक्रमा करने में लगभग 1 घंटे का समय लगता है। सभी तीर्थयात्री दार्चिन होते हुए चिव गुम्बा जाते हैं और यहाँ से हम खोजरनाथ मंदिर की ओर यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। खोजरनाथ मंदिर मानसरोवर से 85 किलोमीटर दूर दक्षिण की ओर पड़ता है। ताकलाकोट और हिलसा के बीच में अवस्थित यह एक सुंदर सा गांव है। यहाँ दर्शन करने जाते वक्त रास्ते में राक्षस झील भी देखी जा सकती है। राक्षस झील के बारे में इस तरह वर्णन किया गया है, राक्षस झील के अंधकारमय पानी के नीचे मांसाहारी राक्षसों के छिपकर बैठे होने की धार्मिक मान्यता के अनुसार इस झील का नाम राक्षस झील पड़ा है। अंधकार और विनाशक शक्ति का प्रतीक माने जाने वाले इस झील से धर्मानुरागियों के दूर ही रहने की मान्यता है। धार्मिक किंवदंतियों के अनुसार इस झील का पानी विषाक्त एवं प्राणघातक है। तसर्थ मानसरोवर के पवित्र पानी इस झील के पानी के विष को समाप्त करने के उद्देश्य से मिलाने के लिए मानसरोवर और राक्षस झील के बीच एक सुरंग के जरिए मानसरोवर का पवित्र जल राक्षस झील में मिलाया गया। इसी सुरंग से एक सुनहरी मछली भी राक्षस झील में भेजी गई। जब वह मछली राक्षस झील में जीवित ही पाई गई तो लोगों की इस झील के प्रति रही नकारात्मक मानसिकता में परिवर्तन आई और लोग इस झील के नज़दीक आने जाने लगे। लेकिन अभी भी स्थानीय वासी तथा धर्मानुरागी इस झील का पानी पीने से परहेज करते हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार त्रेता युग में रावण ने इसी झील में बैठकर कठोर तपस्या के बाद महादेव को खुश किया था। यह राक्षस झील मानसरोवर से पश्चिम में अवस्थित है। यह झील 4,540 मीटर की ऊंचाई पर है। राक्षस झील से सीधे उत्तर की ओर देखने पर मानसरोवर और कैलाश पर्वत का भी दर्शन होता है। एक गौर करने वाली बात यह भी देखी जाती है कि जहां मानसरोवर में राजहंस सहित कई तरह की पंछियां देखने को मिलती हैं, वहीं राक्षस झील में ऐसा कुछ नहीं देखा जाता।
यह ताकलाकोट बाजार है। प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर्ण यह स्थान अति रमणीय प्रतीत होता है। हम ताकलाकोट बाजार होते हुए खोजरनाथ पहुंचे। यह स्थान ताकलाकोट और नेपाल चीन सीमा पर स्थित हिलसा के बीच में अवस्थित एक रमणीय गांव है। यहां दो गुंबा हैं, जहां एक में राम, सीता और लक्ष्मण की मूर्तियां हैं। इस गुंबा की स्थापना 7वीं शताब्दी में किए जाने का अनुमान है। इस गुंबा शैली के मंदिर में राम, सीता और लक्ष्मण का दर्शन किया जा सकता है। यहां दर्शन करने पर पुण्य प्राप्त होने का धार्मिक विश्वास है। इस मंदिर में दर्शन करने के लिए सालाना हजारों तीर्थयात्री नेपाल के रास्ते होकर यहां आते हैं। यहां रहे दूसरे मंदिर में भगवान बुद्ध की मूर्ति रखी गई है। यहां भी बहुत से बुद्ध मार्गी दर्शन करने आते हैं। अक्सर काठमांडू से हेलीकॉप्टर के जरिए हिलसा आकर कैलाश यात्रा करने वाले पूजा अर्चना के लिए खोजरनाथ अवश्य ही आते हैं, क्योंकि यह जगह हिलसा से मानसरोवर कैलाश जाने के रास्ते में ही पड़ता है। हमारे तीर्थयात्री माने घुमाते हुए खोजरनाथ गुंबा के चारों ओर घूम रहे हैं और गुंबा का एक चक्कर लगाने के बाद सभी फोटो खींचने में व्यस्त हो गए हैं। लौटने के क्रम में 85 किलोमीटर की यात्रा एक घंटे की जीप यात्रा के बाद तय कर मानसरोवर पहुंचा जा सकता है। आज सभी लोग थके हुए हैं। शाम का भोजन तैयार होने के बाद हमारे कामदार उसे टेबल पर सजा रहे हैं। यहाँ हमारे स्वामी जी, वेद पंडित और अन्य तीर्थयात्री भोजन का आनंद ले रहे हैं। कल मानसरोवर में स्नान कर लौटने के बाद पूजा पाठ शुरू होगा। पूजा पाठ के लिए बड़ा सा सामियाना लगाया गया है। अंदर पूजा पाठ करने की जगह बनाने के साथ ही होम करने की जगह भी बनाई गई है। यहाँ बहुत से तीर्थयात्रियों के आने के कारण अपने अपने समूह का अलग अलग पूजा पाठ सभी किया करते हैं। स्वामी जी सभी तीर्थयात्रियों को कैलाश पर्वत और मानसरोवर के बारे में प्रवचन दे रहे हैं। प्रवचन समाप्त होने के बाद होम के चारों ओर सभी घूम रहे हैं। होम पूजा पाठ समाप्त होने के बाद सभी एक दूसरे के साथ अंकमाल कर रहे हैं। दोपहर की पूजा के बाद चिव गुंबा का भी हमने दर्शन किया। यह चिव गुंबा से दिखने वाले लौजों व मानसरोवर का रमणीय दृश्य है। शाम की आरती का समय हो जाने के कारण स्वामी जी ने आरती का दीप तैयार कर सभी तीर्थयात्रियों से बारी बारी दीप जलाने को कहा। सभी तीर्थयात्री बारी बारी से दीप जला रहे हैं और दीप जला चुके भक्त आरती गान करने लगे हैं। हमारे टीम के अतिरिक्त अन्य समूह के तीर्थयात्री भी वहां आकर दीप जला रहे हैं। अंत में हमारी टीम के स्वामी जी आरती के दीप का विसर्जन करने के लिए उसे झील की ओर ले जा रहे हैं। शाम का यह आसमान चांद की चांदनी में काफी सुहाना दिख रहा है। चूंकि कल हमें काठमांडू लौटना है, इसलिए शिव गुंबा से होरचू तक मानसरोवर की बाकी परिक्रमा पूरी कर सांगा न्यालम होते हुए हम काठमांडू लौट आए। यह ग्यामो बैग है। इसके अंदर रखकर हवा देने पर अधिक ऊंचाई की वजह से बीमार पड़ने वालों को स्वाभाविक स्थिति में लाई जा सकती है। यह ऑक्सीजन की बोतल है। ऑक्सीजन की कमी होने पर इस तरह से इसका प्रयोग किया जाता है। हमें सांस लेने में परेशानी होने पर तुरंत ऑक्सीजन ले लेनी चाहिए। हमारे पास तीर्थयात्रियों के लिए यथेष्ट मात्रा में ऑक्सीजन की व्यवस्था रहती है। यात्रा के क्रम में हमने स्वामी जी, पंडित जी, टीम लीडर और अन्य तीर्थयात्रियों से जब हमारी सेवा के बारे में पूछा तो उनका कहना था, गणेश जी टीम राजु एंड वाला कैमरामैन युवराजु वीलू कैलास यात्रो कंटीद रेप की एपड़ना दूरमेमो का कैलास यात्रो वील तो वेल्ली वाली की ए रकम असौकर्य जरगो अत्यदुत चूंर
చాలా బ్రహ్మాండంగా చేశారు. మా ట్రిప్ మొత్తం వాళ్ళ చేతిలో అత్యద్భుతంగా మింగమా వాళ్ళని పెట్టుకుని చాలా బాగా చేశారు. వీళ్ళు ఈ టీంతో కలిసి మనం పనిచేయడం, ఈ టీంతో ఎప్పుడైనా సరే మన కైలాస యాత్రకు వెళ్ళటం వలన అన్ని రకాలైనటువంటి సౌకర్యాలు పొందుతాం. మిగతా ఏ టీముల కంటే కూడా ఈ టీం చాలా అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది. గణేష్జీ, రాజుజీ, మింగ్మా అండ్ ఆల్ హిస్ టీమ్ హ్యాస్ డన్ ఎక్సలెంట్ అండ్ బియాండ్ ది ఎనీవన్స్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్. యా, ఐ ఫీల్ వెరీ గుడ్. గణేష్జీ, నో మోర్ సజెషన్స్. హాయ్, దిస్ ఇస్ సుధాకర్ కూచి భోట్ల. ఐఎమ్ ఫ్రమ్ కాలిఫోర్నియా, యుఎస్ఏ. And we are at satsang of 25 people, and that includes two priests from India. And when we started this idea last October, Ganesh ji is the one who really became a part of this family rather than as a tour operator. I mean, there may be a lot of tour operators. I mean, we all know the difference between the ordinary and the extraordinary is the little extra. And Ganesh ji, Raju ji and his entire team went beyond our expectations, not meeting. I mean, this team is, they are fantastic. We had some unexpected situations created by the God during the yatra. I mean, they have an answer for all those unforeseen situations. Because of their help and support system, we are able to have this very, very spiritual and blissful yatra. Without their help, it wouldn't have been possible. Truly, I thank Ganesh ji, Raju ji, and all the other Sherpas, and everybody who made this a once-in-a-lifetime yatra, a memorable, memorable one for all of us. I mean, it's just unbelievable, unforgettable experience. Thank you so much. Hi, my name is Venkata Bataram. I live in California. I led this team of 25 people and we are all mostly from California, and a couple of people come from India, and we all worked with Ganesh ji for last 6 months in preparation, and I am really, 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 what do you say, thankful to Google for showing me Ganesh ji in one of the top clicks. So that made me to bring to Monte Rosa, and not a single day I felt that I missed anything or anything. He was always available on the Skype as well as an email, and I used to get a quick turnaround. आज सभी तीर्थयात्री अपने अपने घरों को लौट रहे हैं, इसलिए सभी को फूल माला पहनाकर हमने काठमांडू के एयरपोर्ट तक पहुंचा दिया. भविष्य में फिर मिलने का वादा करते हुए हम विदा हुए. कैलाश पर्वत और मानसरोवर की यात्रा केवल धार्मिक रूप से ही न होकर पर्यटकीय हिसाब से भी उतना ही महत्वपूर्ण है. इस यात्रा का व्यवस्थापन काठमांडू में रहे मोंते रोसा ट्रैक्स एंड एक्सपेडिशन प्राली ने किया था. ऐसी धार्मिक तथा पर्यटकीय यात्रा के साथ ही पर्वतारोहण पदयात्रा का व्यवस्थापन करता आया यह मोंते रोसा ट्रैक्स एंड एक्सपीडिशन आगामी दिनों में भी ऐसी ही अविस्मरणीय यात्रा के लिए आपकी प्रतीक्षा में है. ओम नमो शिवाय.